पंजाब के फिरोजपुर में पीएम का रास्ता रोके जाने के विरोध के बाद प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हुए गुमला के भाजपा मंडल और महिला मोर्चा ने संयुक्त रूप से पलकोट रोड स्थित शक्ति मंदिर में महामृत्युंजय का हवन कराया। पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री के भाग लेने जाने के क्रम में बीच मार्ग में ही प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दिया था। पंजाब सरकार की सोची समझी साजिश से बच निकलने को लेकर लंबी आयु की कामना करते हुए गुमला जिले के भाजपा मंडल और महिला मोर्चा ने संयुक्त रूप से पलकोट रोड स्थित शक्ति मंदिर में महामृत्युंजय का हवन कराया, जिसमें दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। हम लोग शक्ति मंदिर में महामृत्युंजय जब हवन किए यहाँ पर, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो साजिश किया गया था पंजाब में, जबकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल रहता है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री को हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे थे ऑलरेडी उनको चिट्ठी था और उन्होंने बहुत ही चुक किया, चूँकि एक साजिश के तहत जो पंजाब के जो सरकार हैं मुख्यमंत्री हैं वो एक साजिश रच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का हैसो वहाँ हैसो दंगा फसाद हो, भाग दौड़ मचे, इस तरह का उनका साजिश था। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित बच के आए वहाँ से, और ये पंजाब सरकार वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री का हम लोग घोर आलोचना करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को पंजाब में राज करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसको प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं है, जिनको सुरक्षा का ख्याल नहीं है, एक है सो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सुरक्षा का ख्याल नहीं है, वैसे मुख्यमंत्री को पंजाब में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। उसका लापरवाही लोग देख चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से को एक अपराधी है, इसीलिए वैसे अपराधी को इसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो साजिश रचा गया था और आज भी तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मीटिंग में भीड़ नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है, उनको रोका गया, वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। ये घोर ही निंदा का विषय है, हम लोग जितना भी इसका निंदा करें कम होगा। और निश्चित तौर पर आज हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके आज प्रखंड से लेके जिला तक हम लोग आज है सो आलोचना करते हैं, और हम लोग मौन धारण करके हम लोग है सो विरोध किए, मशाल जुलूस के माध्यम से भी हम लोग विरोध किए, और अभी हम लोग है सो महामृत्युंजय हवन करके हम लोग है सो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम लोग है सो दीर्घायु के लिए, उनका जो लंबी आयु के लिए हम लोग सभी महिला मोर्चा की बहनें हम लोग प्रार्थना किए, हमारे मेन मोर्चा के भाई लोग भी प्रार्थना किए, हवन किए। निश्चित तौर पर भोलेनाथ उनके साथ है, कोई उन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बाल बका नहीं कर सकता है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण बाड़ा ने इस घटना को भारी चूक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था लेकिन जान बच गई है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता ने विरोध करते हुए इस घटना की घोर निंदा की है और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी की बड़ी साजिश थी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।